सारे गामा कारवां इस तोहफे में हैं 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक बार फिर से एक नया दिन है और एक नए एपिसोड के साथ मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। वैसे हर हफ्ते मैं आपके लिए हिंदी सिनेमा की कुछ ऑफ कैमरा स्टोरीज और खूबसूरत गाने लेकर आती हूँ। आज हम जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो हिंदी फिल्मों में शोमैन राज कपूर की आवाज़ कहलाते थे। उनके गाने दिल को छू जाते थे बिकॉज ऑफ द इमोशन ही इन्वेस्टेड इन देम। ऑल्सो उनके गाने पॉपुलर होते थे क्योंकि आवाज़ में उनकी एक अजीब सी कशिश थी। उनकी आवाज़ और उनका चार्म ही था जो वो लोगों से कनेक्ट कर लेते थे। मैं बात कर रही हूँ मुकेश चंद माथुर जी की। मुकेश जी ने 1948 में राज कपूर जी की पहली फिल्म आग के लिए गाना गाया था। फिर क्या था, वहीं से दोनों का एसोसिएशन शुरू हो गया। साथ में उन्होंने आवारा, श्री 420, अनाड़ी, संगम, मेरा नाम जोकर जैसे कई सारे हिट्स दिए। लेकिन सिंगिंग मुकेश जी का पहला प्यार कभी नहीं था। क्या बनना चाहते थे वो, एक सिंगर, एक संगीतकार होने से पहले वो क्या बनना चाहते थे, उनका पैशन किस चीज़ में था, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले चलिए शो की शुरुआत करते हैं आनंद फिल्म के गाने कहीं दूर जब दिन ढल जाए के साथ, जिसके लिरिक्स इतने अच्छे थे कि उस फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश जी ने गाने के लिरिसिस्ट से फिल्म के लिए एक और गाना लिखने को कहा था, जो कि था दूसरा हिट गाना जिंदगी कैसी है ये पहेली। कहीं दूर आपके लिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन
अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सारे गामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
कल भी कोई दोहराएगा जग को हंसाने पहरू दिया रूप बदल के आएगा स्वर्ग यही नर्क यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं वही हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा भूलोगे तुम भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे रहेंगे यही अपने निशान इसके सिवा जाना कहाँ जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं वही हम हैं जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जीना यहाँ मरना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मैं हूं रुचि आपके साथ मुकेश जी की ज़िंदगी के पन्नों को पलट रही हूं आज मैं यहां पर और उन्हीं के कुछ बेहतरीन गाने आपको सुना रही हूं मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से आई होप आपको पसंद आ रहे हों वैसे मुकेश जी हमेशा से ही अपने गानों के ज़रिए ऑडियंस का मन जीत लिया करते थे लेकिन संगीत से पहले उनका प्यार था एक्टिंग जी हाँ मुकेश जी अपनी पढ़ाई बहुत ही जल्दी छोड़ दिए थे एक्चुअली वो एक्टर बनना चाहते थे लेकिन मुंबई में कुछ ऐसी छोटी मोटी नौकरी करते थे और वहाँ पर काम करते करते वो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग्स वगैरह ले लिया करते थे लेकिन वहाँ से उन्हें ब्रेक नहीं मिला मुकेश जी का सपना एक्चुअली पूरा किया उनके रिश्तेदार मोतीलाल जी ने और वो भी एक शादी में यूं ही मुकेश जी ने कुछ गाने की एक दो पंक्तियाँ जो थी वो गुनगुना दी थी लोगों के लिए और वो इतनी बेहतरीन थी कि मोतीलाल जी ने उन्हें बॉम्बे ले जाने का ऑफ़र दिया मुकेश जी भी बस एक ही मौके का इंतज़ार कर रहे थे आ गए उनके साथ और अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी उन्होंने शुरुआती दिनों में जब मुकेश जी उनके पास आए थे तब ही वॉज डिटरमाइंड टू सिंग लाइक हिज आइडल जो कि थे KL साइगल साहब किसे पता था कि समय के साथ वो इतने सक्सेसफुल सिंगर बन जाएंगे कि हर बड़े छोटे सिंगर को पीछे छोड़ जाएंगे मुकेश जी ने काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ में फिल्में भी की है चाहे वो शंकर जयकिशन जी की पहली फिल्म बरसात हो मदन मोहन जी की फिल्म आँखें हो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की पारसमनी सभी के साथ में सुपरहिट गाने दिए लेकिन अपने करियर के बीच में एक समय ऐसा आया था जब इनका ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया था क्यों बीच में ये कुछ समय के लिए उनका एक डाउनफॉल आया था कारण उसके पीछे उनकी ही एक ज़िद है बात करेंगे उसके बारे में कुछ ही देर के बाद लेकिन उसके पहले वो गाना जो ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है अनाड़ी फिल्म से किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार
जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए
होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला। सारे गामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज के एपिसोड में मैं सुना रही हूँ आपको मुकेश जी के गाए हुए कुछ बेहतरीन गाने, और उसी के साथ में उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ किस्से कहानियाँ सुना रही हूँ। मुकेश जी धीरे धीरे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगे थे
और उस वक्त के अपने कंटेम्प्रेरीज जैसे मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मन्ना डे, बाद में किशोर कुमार, इन सभी के बीच उन्होंने अपनी जगह बना के रखी थी। लेकिन पहला प्यार कभी इतनी आसानी से छूटता थोड़ी है ना। इसीलिए जैसे मुकेश जी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि वो एक्टर बनना चाहते थे, तो ये एक्टिंग का कीड़ा जो था वो उनमें बरकरार था। एक के बाद एक वो फिल्म करते गए, एक्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और सिंगिंग की तरफ कम ध्यान दिया। इनफैक्ट उन्होंने अपनी ही फिल्में प्रोड्यूस भी करना शुरू कर दिया। संगीत से दूर होते चले जा रहे थे और वहीं सक्सेस से भी दूर होते चले जा रहे थे। दिस प्रूव्ड टू बी अ बिग सेटबैक टू हिज सिंगिंग करियर, जिसके कारण दोनों रफ़ी साहब और किशोरदा, उन दोनों को समय मिल गया कि वो अपनी पॉपुलैरिटी बना सके। उनका करियर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। इनफैक्ट उनकी फिल्म माशूका, जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी, उसके बुरी तरह से फ्लॉप हो जाने के बाद मुकेश जी इतने बुरे फाइनेंशियल कंडीशन में आ गए थे कि उनके पास अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे और उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था। लेकिन उन्होंने इस वक्त का भी बगैर टूटे सामना किया और कमबैक किया 1958 में यहूदी से, और उसके बाद उनकी सक्सेस की रेल रुकी नहीं। मधुमति, परवरिश, आनंद, कभी कभी जैसी फिल्मों में गाकर ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनके जैसा सिंगर और कोई बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। एक तरफ जहां प्रोफेशनल लाइफ मुकेश जी की ऑलमोस्ट अच्छी ही रही थी, वहीं पर्सनल लाइफ में इनके बड़े उतार चढ़ाव आए थे। क्या आपको पता है इन्होंने शादी भी भाग के की थी? क्यों हुआ था ऐसा बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले मुकेश जी की आवाज़ में ऑल टाइम हिट सॉन्ग आवारा हूँ आपके लिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे।
हाँ जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर। Enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. और
की और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मुकेश जी की लाइफ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि मोतीलाल जी जो कि उनके रिश्तेदार थे, वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे मुकेश जी के करियर में, उनकी पर्सनल लाइफ में, सब तरीके से। उन्होंने मुकेश जी को सिर्फ फिल्मों में ही नहीं एंट्री दिलवाई, बल्कि पर्सनल लाइफ में उनकी बीवी की एंट्री भी, मुकेश जी की बीवी की एंट्री मोतीलाल जी के कारण ही हुई थी। मुकेश जी बुरे वक्त से गुजर रहे थे और उसी दौरान उन्हें एक ब्राह्मण लड़की से प्यार हो गया। उनका नाम था सरल त्रिवेदी रायचंद। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सरल जी की फैमिली बहुत अमीर थी और उस वक्त मुकेश जी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। ना उनके पास खुद का घर था, ना ही ठीक ठाक इनकम। ऊपर से फिल्मों में थे और उस समय तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था कि फिल्मों में काम करते हो, मतलब क्या काम करते हो। लेकिन मुकेश जी सरल जी से प्यार बहुत करते थे, उन्हें अपने साथ भगा कर ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने सरल जी के साथ भाग कर शादी कर ली और लड़की का कन्यादान मोतीलाल जी ने ही किया था। मुकेश जी ने अपनी शादी की 30वीं सालगिरह मनाई थी, लेकिन उस बार ये उनकी आखिरी शादी की सालगिरह रही, क्योंकि उसके बाद वो US टूर के लिए गए थे और ज़िंदगी ने कुछ ऐसी पलटी ली कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। आप जानते हैं कि वहीं पर उस टूर पर ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण वो नहीं रहे थे। मुकेश जी की याद में मैं आपको सुनाती हूँ उन्हीं का वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स आनंद फिल्म से, मैंने तेरे लिए। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। मुकेश जी तो हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन एक तोहफा था जो राज कपूर जी उन्हें देना चाहते थे, जो कभी दे नहीं पाए, उसके बारे में बात करेंगे कुछ ही देर के बाद। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे, कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया खामों ने,
मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने सपने। लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। सीने में सांस रहेगी जब तक, तब तक मैं रहूंगी मन में हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में, लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। पाकर मुझे पाकर प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना है तमन्ना, हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना
जगवा लो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबदन चंचल चितवन। कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे, ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सवदन चंचल चितवन। मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना, चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवा लो, मुझे दोष न देना जगवा लो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबदन चंचल चितवन। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। मुकेश जी की ज़िंदगी के बारे में यहाँ पर आपको कुछ अनसुनी कहानियाँ मैं सुना रही हूँ और साथ ही उनके बेहतरीन गाने भी आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आ रहा हो, क्योंकि हर एक एक गाना मैंने चुन कर लगाया है और मुझे पर्सनली बेहद पसंद है हर गाना जो आज की प्लेलिस्ट में हमने डाला है। मुकेश जी नहीं रहे थे ये सुनकर पूरा देश हिल गया था। उन्होंने अपना आखिरी गाना चंचल शीतल निर्मल कोमल गाया था फॉर सत्यम शिवम सुंदरम। उनके दोस्त राज कपूर जी के बैनर के अंडर ये गाना बना था और राज कपूर जी को ये गाना बहुत पसंद आया था, इतना कि उन्होंने एक शराब की बोतल, एक अच्छी ब्रांड की शराब की बोतल रखी थी मुकेश जी के लिए कि वो जब वापस आएंगे तो ये मैं उन्हें गिफ्ट करूँगा। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि मुकेश जी नहीं रहे हैं, तब उन्होंने ये सबके सामने कहा था कि ये एक बोतल जो मैंने उसके लिए बचा के रखी थी वो मेरे पास ही रह गई, काश मुकेश भी मेरे पास ही रह जाते। राज कपूर जी मुकेश साहब को अपना सोलमेट मानते थे और माय सोल कह के बुलाते थे। यही नहीं, सभी लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा निकनेम था मुकेश जी के लिए। जैसे लता दीदी के साथ भी उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था और वो भला आदमी कह के बुलाती थी मुकेश जी को। यही नहीं, उन्हें वॉइस ऑफ गॉड के खिताब से भी नवाजा गया था। इंडस्ट्री के सभी लोग उन्हें वॉइस ऑफ गॉड कह के बुलाते थे। बोले भी क्यों ना, मुकेश जी अनडाउटेडली बहुत ही अच्छे सिंगर थे और हमेशा रहेंगे। चलिए यहाँ पर आपको सुनाती हूँ मैं इसी बात पर अनाड़ी फिल्म से गाना सब कुछ सीखा हमने। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी,
सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे सौ सौ पहरे देखे, मेरे दुख पे दिल से पूछो क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो कोई रे आज लुट गया, हाय अल्लाह
सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह सनम हम माना गरीब हैं हाय सनम हम जी सनम हम माना गरीब हैं नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही नसीबा खोटा सही बंदा खोटा सही दिल ये खजाना है प्यार का हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स दिल तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा दिल तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा तो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ जा दिल तड़प तड़प के दे रहा है ये सदा तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा दिल तड़प तड़प के दे रहा है ये सदा तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा Enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show.
Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.